क्या वजह होगी, क्यों इतनी दूरी बढ़ गई? सब कुछ तो ठीक चल रहा था, आप लोग का नीतीश जी कहते थे अरे अब इसी को सब कुछ को संभालना है, तेजस्वी यादव कितना होनहार है। हमारे हाथ में तीर है, अब तीर मारते हैं तो छेद छेद कर देते हैं। अब बीजेपी के नेता साथ में होने लगे हैं, कल विजय सिन्हा थे साथ में, आज अश्विनी चौबे हैं साथ में। पार्टी का नाम यूनाइटेड है, इसको कौन तोड़ दे। पाला बदलने जा रहे हैं हम बीजेपी के साथ, हमारी दोस्ती हो चुकी है, कुछ डील डन हो गया है और परसों अमित शाह और भी मौजूद रहेंगे और उसी के सामने नीतीश कुमार बीजेपी के साथ सरकार बनाएंगे। हमारे मन में कोई संशय नहीं है, जिन लोगों को संशय है वो जाने, और जिसको संशय रहता है उसकी सवारी डूबती है। भाई हमने तो ये सवाल खड़ा नहीं किया, और कहा गया कि सूर्यास्त तक के पूरी बात स्पष्ट कर दीजिए, तब तो सूर्योदय भी हो गया। हमने अपनी बात को स्पष्टता के साथ कहा है, अब जिनके मन में कन्फ्यूजन है वो जाने, अब भविष्य में क्या होगा तो राम ही जाने। अब देखिए आप लोग भी राम राम करने लगे, राम और रहीम जानते हैं तो और कौन जानता है। कल क्या होगा ये किसने देखा है। लेकिन आखिर क्या वजह होगी, क्यों इतनी दूरी बढ़ गई? सब कुछ तो ठीक चल रहा था, आप लोग का नीतीश जी कहते थे अरे अब इसी को सब कुछ को संभालना है, तेजस्वी यादव कितना होनहार है, इसी को संभालना है, क्या हो गया, इतनी दूरी क्यों हो गई? कारण कोई दूरी का तो हम नहीं जानते कि दूरी है। गणतंत्र दिवस में साथ में बैठ रहे हैं, ये मैं कैबिनेट में साथ में बैठ रहे हैं। अब तो कारण जो लोग संशय की बात कर रहे हैं वही बताएंगे ना, उन्हीं को पता होगा, हमको जब पता चलेगा तो हम बता देंगे। लेकिन कहा जा रहा है कि लालू यादव ने कई बार संपर्क करने की कोशिश की, फ़ोन किया, नीतीश जी टेलीफोन पे नहीं आए, बातचीत तक नहीं हुई, शिवानंद तिवारी से मिलने से इनकार कर दिया। तो इस ढंग के कयास जो लोग लगाते हैं ना, वो बिल्कुल बेबुनियाद है। नीतीश जी के यहाँ फोन पर लगातार संपर्क में रहते हैं और वो काम करते हैं, यह कोई जरूरी नहीं है कि हम अभी फोन करें अभी हमको बात ही हो जाए, लेकिन समय लगता है बात हो जाती है। अभी तो फोन करने वाले ही बताएंगे, लेकिन हमारा है कि भाई नीतीश कुमार जी का 26 जनवरी था तो राजनीतिक घटनाक्रम के लिए था, कल देश का गणतंत्र दिवस था, महादलित समुदाय की बस्ती में जाते हैं, बहुत सारे व्यस्त कार्यक्रम रहते हैं, आज भगवान के दरबार में हैं बक्सर में, तो स्वाभाविक है। लेकिन सिर्फ नेता बीजेपी के साथ नजर आ रहे हैं, अब तेजस्वी यादव जो डिप्टी कहे जाते हैं अभी भी डिप्टी नीतीश कुमार के, लेकिन वो साथ में नहीं है। अब बीजेपी के नेता साथ में होने लगे हैं, कल विजय सिन्हा थे साथ में, आज अश्विनी चौबे हैं साथ में। तब जब महामहिम राज्यपाल के यहाँ टी पार्टी परंपरागत रूप से होता है और उस टी पार्टी को भी अवॉइड करना, तो कारण वही ना बताएंगे, हम तो उनके स्पोक्स पर्सन है नहीं। अब भारतीय जनता पार्टी के नेता रहे या आरजेडी के नेता रहे, कोई भी विकास के काम में तो सब जनप्रतिनिधि की भूमिका होती है, सबकी उपस्थिति होती है। अब जो नहीं उपस्थित हो रहे वो जाने अपना कारण वो बताएंगे। लेकिन सवाल ये है कि अभी भी जो कांग्रेस के बड़े लीडर हैं उनके तरफ से ट्वीट आ रहा है और नीतीश कुमार के उस वीडियो को पोस्ट किया जा रहा है जिसमें नीतीश कुमार ये कहते नजर आ रहे हैं कि अब नहीं भाजपा के साथ कभी नहीं, मर जाऊंगा मिट जाऊंगा लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा, और इस वीडियो को पोस्ट करके ये कैप्शन दे रहे हैं कि हमें अभी भी यकीन नहीं है कि नीतीश जी पलटी मारने जा रहे हैं। क्या मैसेज दे रही है कांग्रेस पार्टी, मैसेज क्या देना चाहती है कांग्रेस पार्टी? नीतीश कुमार जी क्रेडिबिलिटी पर सवाल खड़ा कर रही है क्या? हार में हल्दी लगा था बिना हमारे, हार में हल्दी लगा है मेरे बिना? इस ढंग का बयान अगर कोई कांग्रेस पार्टी के दे रहे हैं तो ये अच्छी बात नहीं है, गठबंधन धर्म के विपरीत है, और अगर वो आचरण होगा तो जवाब देने के लिए हम लोग सक्षम। अच्छा ये भी कहा जा रहा है कि जेडीयू के कुछ विधायक को से इस्तीफा दिलवा लिया जाएगा, कई तरह की कोशिशें चल रही हैं, बिहार कांग्रेस को भी तोड़ने में नीतीश कुमार लगे हुए हैं। अच्छा जेडीयू टूट सकती है क्या? मतलब पार्टी का नाम यूनाइटेड है, इसको कौन तोड़ देगा? हमारे हाथ में तीर है, हम तीर मारते हैं तो छेद छेद कर देते हैं, राजनीति में हम भेद कर देते हैं, हमको कौन तोड़ देगा? ये सब भ्रम बहुत लोगों को रहा है, ये भ्रम लोग दूर कर लें।
अच्छा एक आखिरी सवाल, चलिए अभी तो आप खुलकर नहीं कहिएगा तो जब तक आपकी विधायक दल की बैठक नहीं हो जाती तब, नरेंद्र मोदी एज ए प्रधानमंत्री कैसा काम? नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री हैं, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। हम क्या कहेंगे ये हम नहीं, हम इसका विश्लेषण आपको बताएंगे, लेकिन आदरणीय नरेंद्र मोदी ने यह कहा है कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और जॉर्ज फर्नांडिस के बाद अगर कोई एक नेता है तो वो नीतीश कुमार। चलिए सब कुछ तय है, क्लियर क्रिस्टल है और आप समझ सकते हैं, और सीधे सीधे नीरज कुमार ने कह दिया है कि किसी की हिम्मत नहीं है कि जेडीयू को।